इन्हें सत्ता से बेदखल कर दिया, नीतीश जी को मौका दिया तो ये बौखला गए। सड़क है उसमें बाईपास बनवाएंगे, इसके बाद 10 लाख रोजगार तो कीजिएगा कि नहीं कीजिएगा जितने। आप पैसा कहां से लाओ, इसके चलते अंदर गए होगी पैसा से होगा। 12 बड़े निर्णय हम लेकर आए बिहार पर, बिहारी पर। बिहार की जनता ने नेताओं के वाएदे सुन लिए, बिहार की जनता ने नेताओं के जीत के इरादे सुन लिए। बिहार में फिर एक बार एनडीए सरकार बनने जा रही है और ये मेरा अंतिम चुनाव है, अंत भला तो सब भला। बिहार की आधी से ज्यादा जनता ने आधे से ज्यादा उम्मीदवारों की किस्मत को ईवीएम में कैद भी कर दिया। अब सवाल ये है कि अब की बार किसका होगा बिहार, कौन बनाएगा सरकार। कोरोना की बंदिशों के बीच भी इतनी भारी संख्या में आना, ये आपका जोश, ये आपका उत्साह, ये साफ साफ बता रहा है कि 10 नवंबर को नतीजे क्या होने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी की ओर से वो त्रुप का इक्का हैं जो चुनाव की दशा दिशा बदल देने का मादा रखते हैं। उन्होंने बिहार में एनडीए की ओर से ताबड़तोड़ रैलियां की, हर रैली में उन्होंने नीतीश के सुशासन के साथ साथ लालू राज के जंगल राज को बार बार लगातार कहा। मकसद साफ था कि अब की बार एनडीए फिर दोहराए सरकार। अकेले पीएम नहीं, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के निशाने पर भी लालू का जंगल राज और तेजस्वी यादव ही रहे। बीजेपी और जनता दल यूनाइटेड मिलकर 2/3 की सरकार बनाएगी और नीतीश कुमार भी हमारे नेता होंगे। अगर हमारी सीट ज्यादा भी आती है तब भी नीतीश कुमार हमारे नेता होंगे। नीतीश कुमार ने बिहार को पूरे 15 साल तक संभाला है, 15 साल तक वो सत्ता के सिंहासन पर बैठे रहे, लिहाजा शुरुआती दौर में वो विकास की बातें ही कर रहे थे। वो जनता को बता रहे थे कि कैसे लालू के शासन में अपराध था और कैसे उन्होंने अपराध पर काबू पाया और बिहार को विकास की ओर भी ले गए। काम होने के बाद कोई अपने घर से नहीं निकल पाता था और जिस तरह से हम सब लोगों को जब आप लोगों ने काम करने का मौका दिया, हम लोगों ने अपराध से छुटकारा दिलवाया, तरक्की के रास्ते पर ले जाने की कोशिश की। इस चुनाव में एनडीए ने पूरा दमखम झोंक दिया, मगर दूसरी ओर एनडीए को परास्त करने के लिए तेजस्वी यादव भी कहीं कमजोर नहीं दिखे। तेजस्वी रैलियों का रिकॉर्ड बना रहे थे, वो ताबड़तोड़ जनसभाएं कर रहे थे और हर जनसभा में भरोसा दिला रहे थे कि अब की बार वही करेंगे बिहार का उद्धार। नीतीश जी का भी दायित्व है ना, जब तय है तो हमने भी फैसला किया है कि मुख्यमंत्री रहते पहला कलम अगर मेरा चलेगा तो एक साथ देश के इतिहास में पहली बार 10 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी पहले मंत्रिमंडल की बैठक में। रोजगार के मसले पर बिहार की जनता के बीच उतरे तेजस्वी यादव नीतीश कुमार को थका हुआ साबित करने में लगे थे। उनकी भावभंगिमाएं बता रही थीं कि उनके मन में चुनाव जीतने की तड़प है, मगर दूसरी ओर चिराग पासवान थे। चिराग को अपनी जीत से ज्यादा नीतीश कुमार की हार का इंतजार रहा। अपनी हर रैली में वो सिर्फ नीतीश पर हमलावर रहे। सबके अपने अपने दावे हैं, कोई नहीं कह रहा है कि वो हार रहे हैं। पीएम, केंद्रीय मंत्री, बीजेपी के नेता, खुद नीतीश कुमार अब सब दावा कर रहे हैं कि एनडीए बिहार में दोबारा सरकार बनाने जा रही है। दूसरी ओर नीतीश कुमार और कांग्रेस के नेता भी ऐसा ही दावा कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि बिहार की जनता नीतीश से त्रस्त है और अब वो बदलाव चाहती है, मगर ये दावे नेताओं के हैं। बिहार की जनता क्या चाहती है ये 10 नवंबर को मालूम चलेगा। आज तक ब्यूरो।